असलम वरह लिया वबरकता हूँ इस्तबाल है आप सबका मेरे चैनल गल्फी टी वी में लेकर हाजिर हूँ एकदम लेटेस्ट अपडेट ख़ास तौर से अजनबियों के लिए वही उनके रेसिडेंसी वीज़ा के हवाले से और ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है वीडियो के स्किप मत कीजिएगा स्किप करेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाएगी और आप पूरी बात समझ नहीं पाएंगे और फिर उसके अलावा आप जो है उस हिसाब से फिर एक्शन भी नहीं कर सकेंगे तो इसलिए खबर को पूरी सुनिएगा कुवैत में इन दिनों जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि कर्फ्यू के दौरान देश भर में रेसिडेंसी मामलों के जितने भी विभाग हैं आंतरिक मंत्रालय वो सब बंद है और आंतरिक मंत्रालय ने घोषणा की कि एक मार्च के बाद समाप्त होने वाले यानी ख़त्म होने वाले सभी हर तरह के वीज़ा तीन महीने वैलिड रहेंगे यानी कि रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मगर ये उन लोगों के लिए लागू नहीं होगा जिनका निवास एक मार्च से पहले समाप्त हो गया यानी जिनका वीज़ा जो है एक मार्च से पहले अगर खत्म हो गया है ये उन लोगों के लिए लागू रहेगा उन्हें देश द्वारा घोषित माफी योजना का इस्तेमाल करते हुए देश छोड़ना होगा यानी कि अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से उन्हें देश छोड़ना होगा सूत्रों से मिली जानकारी में पता चला कि देश में प्रवेश करने के लिए वैध वीज़ा के साथ देश से बाहर रहने वालों को तीन महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा साथ ही तीन महीने की अनुपस्थिति की अनुमति उन सभी निवासियों को दी जाएगी जो वर्तमान में देश के बाहर हैं यानी कि जो लोग गैर मौजूद हैं यहाँ पर कुवैत में नहीं है उन लोगों को यह अनुमति दी जाएगी ठीक है मगर शर्त यह है कि उनका भी निवास वैध हो यानी वीज़ा जो है वो वैलिड होना चाहिए अगर निवास यानी रेसिडेंस देश के बाहर है और निवास की अवधि यानी कि रेसिडेंस वीज़ा की वैलिडिटी समाप्त हो गई है उन्हें अस्थाई वीज़ा लेने के लिए नई प्रक्रियाएं पेश करनी चाहिए यानी कि उन्हें जो है दूसरा वीज़ा लेना पड़ेगा और उसके लिए जो है फिर से उनको प्रोसेस पूरा चालू करना पड़ेगा ये भी बताया गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सह के सहयोग से के साथ सहयोग करके उसने सभी मामलों के लिए निवास की चिकित्सा परीक्षा को यानी मेडिकल एग्जामिनेशन को स्थगित कर दिया है यानी कि अभी सस्पेंड कर दिया है और जिन लोगों को फिंगर प्रिंटिंग प्रक्रियाओं की आवश्यकता है यानी ज़रूरत है उन्हें समान करने के लिए आपराधिक विभाग के सामान्य विभाग के साथ मिलकर कर सकते हैं तो ये लेटेस्ट अपडेट था जो मुझे लगा आप तमाम हजरात के साथ शेयर कर देना चाहिए शेयर किया है बाकी आप लोग भी और लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है इस मामले में अपना फ़ायदा उठा सकें और जो उनकी परेशानी है वो सॉल्व कर सकें मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ तब तक भी असलम दुआ में याद रखें